बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जमान अशरफ। आई वेलकम यू ऑल इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। टुडे आवर टॉपिक इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग एंड बाइंडिंग वाइब्रेशंस, इनको डिस्कस करेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, इनको हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट देन वी डिस्कस व्हाट आर फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड व्हाट आर ओवरटोन्स एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रॉम ओवरटोन्स। एंड देन एट द एंड वी डिस्कस द फर्मी रेजोनेंस एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद modes of vibrations. For example, we have a bond. Here, अगर तो इस bond को आप जो है वो दोनों end से अब एक खींचते हैं या इसको आप compress करते हैं, then it is stretching. And if we have like that water, अगर आप जो है वो इस तरफ ये बॉन्ड मूव करता है या इस तरफ ये बॉन्ड मूव करता है, देन इट इज स्ट्रेचिंग। ओके, अगर आपके पास इसी तरह कोई वाटर है या आपके पास CH2 है, तो ये दोनों एटम जो है वो इन प्लेन मूव करते हैं या आउट ऑफ प्लेन मूव करते हैं, तो these are bending vibrations. And these are stretching vibrations. Stretching vibrations. Okay? In general, जब आप इन bending और stretching vibrations की frequency को जो है वो compare करते हैं, then bending vibration, they generally appear at lower frequencies as compared to stretching vibrations. So it means for a molecule, for a bond, कोई भी OH bond है या CH bond है या NH bond है, इसको stretch करने के लिए आपको ज़्यादा wave number, ज़्यादा frequency चाहिए होगी as compared to bending of these bonds. And then different types of bending vibration and different types of stretching vibration, अगर आप इसको जो है वो discuss करें, then here we have in case of bending vibration, CH2 के केस में अगर आप सबसे पहले हम इसको जो है वो ले लेते हैं, we have carbon, hydrogen here, hydrogen here. तो bending vibration में हमने कहा कि these two bonds, these two atoms, they may be bend in a plane or out of plane. So based upon bending of these atoms in planes and out of planes, आप इनको classify करते हैं in scissoring, rocking, wedging and twisting. तो हम इन सब को जो है one by one discuss करते हैं. So here we have example of CH2. फर्ज करें आपके पास जो है वो one case carbon, hydrogen, हाइड्रोजन एंड दीज आर टू, कोई भी यहां बॉन्ड्स हैं. तो अगर आपके पास ये बॉन्ड मूव कर रहा है इधर और ये बॉन्ड मूव कर रहा है इधर या इसके ऑपोजिट हो, देन इट इज नोन एज सीजरिंग. सीजरिंग एंड नॉर्मली सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन इट अपियर्स एट इन केस ऑफ CH2 ऑलमोस्ट इसकी जो फ्री स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दिस सीजनिंग जो है ये 1450 पे जो है वो अपीयर होती है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ दिस इज इन प्लेन. ठीक है, अगर आप इसे जो है वो मैं ऐसे शो करूँ, इफ वी हैव सपोज दिस टाइप, देन लाइक दैट दिस इज सीजनिंग, कि वो एक ही प्लेन में जो है वो अपीयर हो रहे हैं. एंड सेकेंड टाइप which appeared in a plane is we have here carbon, hydrogen, hydrogen. Okay, and second type is कि आपके पास ये bond अगर ये इधर move कर रहा है तो ये भी इधर move करे. Okay, mean के अगर मैं इसको जो है वो
ऐसे एक्सप्लेन करूं, सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ, तो अगर आप इस तरह जो है वो मूव करेंगे देन इट इज सिजरिंग, और अगर ये दोनों इस तरह मूव करें देन इट इज रॉकिंग। Rocking and rocking it appears normally it is appeared at 750 centimeters in hertz. It's stretching, it's frequency of vibration. So these two bending vibrations, they appear in a plane, and the other two, for example, we have carbon. H. तो यहां अगर आप जो है वो इसी तरह अगेन आई शो दीज टू एटम्स, अब ये दो एटम्स अगर जो है वो अगर तो हम इस तरफ मूव करें देन दिस इज सिजरिंग और दिस इज रॉकिंग, ये एक प्लेन में है, और अगर ये जो है वो आउट ऑफ द प्लेन मूव करें, दोनों जो है वो आपकी तरफ मूव कर रहे हों, देन इट इज वेजिंग, और अगर ये जो है वो एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों एटम्स आपकी तरफ मूव कर रहे हैं या मेरी तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों वेजिंग, और अगर ये जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं कि एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, देन इट इज ट्विस्टिंग। सो हेयर ये आपका, और ये जो आपके पास वाइब्रेशन है इट इज आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस एटम लाइक दैट सेम डायरेक्शन वेजिंग, एंड हियर वी हैव this bond here and this bond here, so this is out of the plane, mean कि आपके पास ये अगर bond, ये आपके पास triatomic है, यहाँ center है इसका, these two are atoms, अगर ये जो है वो इस तरफ मूव करेंगे then they appear out of the plane, तो ये दोनों जो है ना वो इसे आप जो है वो कहेंगे twisting, और दोनों अगर आपकी तरफ मूव करेंगे, दोनों मेरी तरफ मूव करें then it is wedging, and they normally appeared at 1250 सेंटीमीटर। सो दीज आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग एंड रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, दे मूव इन अ प्लेन, एटम्स मूव इन अ प्लेन, एंड इन केस ऑफ वेजिंग एंड ट्विस्टिंग द एटम्स दे मूव आउट ऑफ द प्लेन, ये जो आपको नजर आ रहे हैं प्लेन में, ये इस बोर्ड से अवे जो है वो मूव करेंगे, आउट ऑफ द प्लेन जो है वो ये मूव कर रहे होंगे। सो सिमिलरली वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ stretching vibrations. Suppose we have कोई भी आपके पास ऐसा केस इन विच थ्री आर मोर देन थ्री, एटलीस्ट आपके पास थ्री एटम्स हों या मोर देन थ्री एटम्स हों जिनमें दो एटम जो है वो सिमिलर हों, इन सच केसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे आर अपीयर्ड एंड दे आर पॉसिबल, एंड दीज टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे आर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक आर एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सपोज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये जो है वो मूव करे दिस बॉन्ड अपीयर हेयर, दिस बॉन्ड अपीयर हेयर, देन इट इज symmetric stretch, symmetric stretch, and here if we have carbon hydrogen and hydrogen, तो आपके पास अगर ये bond जो है वो इस तरफ stretch हो रहा है तो ये bond जो है वो इस तरफ हो, एक stretch हो दूसरा compress हो, तो ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसे आप कहेंगे एसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच। पर्टिकुलरली अगर आप बात करें देन सिमेट्रिक स्ट्रेच इट अपीयर्ड एट लोअर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक स्ट्रेच और एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच। मिसाल के तौर पे मैथिलीन के केस में आपके पास ये इट अपीयर्ड एट 2853 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेच और एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच फॉर दिस मैथिलीन इट अपीयर्ड एट 29, 26, सो इट अपीयर्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी
एंड द सिमेट्रिक स्ट्रेच इट अपीयर्ड एट lower frequency. Let's discuss some more examples in which we can elaborate symmetric and asymmetric stretch. Misal ke taur pe we have methyl carbon attached with three similar atoms. We have anhydride. We have amino primary and we have nitro. So for example, if we first discuss methyl, then we have carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. So if stretching is like that, then it is symmetric stretch. Symmetric stretch. And for methyl, it appeared at and in case of antisymmetric stretch, carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. For example, ये अगर इस तरह stretch हो रहा है तो ये जो है वो इस तरफ है और ये जो है वो इस तरफ होगा. So this is asymmetric or antisymmetric stretch. और इसकी वैल्यू जो है वो 2962 सेंटीमीटर इनवर्स है. सिमिलर केस विथ एनहाइड्राइड. अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एनहाइड्राइड, जब आप एनहाइड्राइड का आईआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहां भी कार्बोनल का जो रीजन है वहां आपके पास दो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन जो है आती है. वन इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन एंड अदर वन इज एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सो हियर वी हैव, अगर ये जो है वो इस तरफ कार्बोनल स्ट्रेच हो रहा है और ये जो है वो इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, देन इट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच और इसकी जो वैल्यू है इट इज 1760 सेंटीमीटर इनवर्स. एंड फॉर एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच, कार्बोनाइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल, अगर ये कार्बोनाइल इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो ये जो है वो इस तरफ हो. एंड दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेच, इट्स वैल्यू इज अबाउट 1800. सेम इज द केस विद NH2. वी हैव सपोज NH, अगर ये जो है वो इस तरफ और ये जो है वो इस तरफ, इट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच. इट्स वैल्यू इज 3300. एंड फॉर एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेच, इन केस ऑफ दिस बॉन्ड स्ट्रेच लाइक हियर एंड दिस हियर, सो एंटीसिमेट्रिक या asymmetric stretch and its value is around 34 centimeter inverse. So for nitro we have, agar aap nitro ki baat kare, then we have NO. This is symmetric stretch and its value is, this is symmetric stretch and its value is 1350 centimeter inverse. And for asymmetric stretch, its value is, asymmetric stretch, its value is 1550 centimeter inverse. So here you can see the difference between symmetric and asymmetric stretching vibrations. Or इसमें आप देख सकते हैं it is easy for symmetric stretching because वो lower frequency पे जो है वो appear होती हैं और antisymmetric stretching जो है वो high frequency पे जो है वो appear हो रही हैं. अब अगर आप जो है वो NH2 की बात कर रहे हैं particularly, then if we have किसी भी compound में आपके पास
NH2 अगर होगा तो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के जो मोड्स आएंगे वो दो जो है वो पीक्स आएंगी आपकी IR स्पेक्ट्रम में, जिससे जो है वो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस प्राइमरी एमीन को फ्रॉम सेकेंडरी एमीन. सो इट इज बिकॉज यहां आपके पास ये जो NH स्ट्रेचिंग है, NH स्ट्रेचिंग के दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक सिमेट्रिक और एक ए सिमेट्रिक. बट ऑन इन केस ऑफ सेकेंडरी एमीन ओनली वन NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर्ड. Okay, so in this way we can differentiate primary mean from secondary mean. And also agar aap jo hai wo aapke paas amide hai R CO NH2 R CO NH R prime, so this is primary amide, it is secondary amide. Yahan aap dekh rahe hain nitrogen is attached is two hydrogen, तो यहां जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच अपीयर होंगे, दो जो है वो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो अपीयर होंगी IR स्पेक्ट्रम में, जबकि यहां जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो होगी, जिससे हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एमाइड्स को फ्रॉम सेकेंडरी एमाइड्स. और इसी तरह जो है वो आपकी टोन इनो ये जो आपके पास एनहाइड्राइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रम आप जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. ऑल दीस वाइब्रेशन मोड जो अभी मैंने यहां डिस्कस किए हैं, स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग है, वेजिंग है, ये सारे जो है वो दीज आर नोन एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस. लेकिन जब आप IR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो IR स्पेक्ट्रम में सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशन अपीयर नहीं होती, स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन सिर्फ अपीयर नहीं होती, आपके पास जब वो स्पेक्ट्रम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, उनको हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम प्राइमरी फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशन. सो फंडामेंटल वाइब्रेशन दे अपीयर एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट. इट मीन्स के आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, तो वहां जो आपके पास एक्साइटेशन है वो ग्राउंड स्टेट से, अब यहां जो है वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से जो लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट. तो ये जो एक्साइटेशन है यहां जो अपीयर होगी वाइब्रेशन, इसे आप कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस. बट ओवरटोन्स दे आल्सो अपीयर्ड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड दे कॉम्प्लिकेट अवर स्पेक्ट्रम. Overtones, what are overtones? They actually excitation of this molecule, excitation of molecules from ground state to next high energy excited state. अब next energy high excited state, what is mean by this next energy excited state? It is actually correspond to integral multiple of fundamental vibration. मिसाल के तौर पर आप एक जो है वो excitation करते हैं ground state to
लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट फंडामेंटल वाइब्रेशन, और उसकी जो वाइब्रेशन है 500 पे जो है वो अपीयर हो रही है। तो जो ओवरटोन अपीयर होंगे यहां इस केस में वो 2 पे हो रहा होगा या 3 पे जो है वो हो रहा होगा। सो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ओवरटोन है वो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो है वो आएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशन विद दिस ओवरटोन्स। ओवरटोन्स के अलावा अगर जो है वो आप और भी कुछ बैंड्स आते हैं, नॉट ऑल द बैंड्स दे आर एक्टिव इन आईआर रीजन, बट द एक्टिव बैंड्स दे अपीयर इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, द फर्मी रेजोनेंस अगर आप उसे जो है वो एक्सप्लेन करें, सपोज यू हैव अ फंडामेंटल वाइब्रेशन, व्हेन फंडामेंटल वाइब्रेशन इट कपल्स विद द ओवरटोन्स, दिस कपल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इट इज नोन एज फर्मी रेजोनेंस। कि आपके पास एक फंडामेंटल वाइब्रेशन है और ये कपल कर जाए अगर जो है वो ओवरटोन के साथ, एंड इफ दिस इज आईआर एक्टिव देन इट इज नोन एज फर्मी रेजोनेंस। सो ऑल दीज वाइब्रेशंस दे आर प्रेजेंट इन द आईआर स्पेक्ट्रम। हम किस तरह कोई भी एक मॉलिक्यूल है हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 3n-5, इट इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स n इज द नंबर ऑफ एटम्स। फर्ज करें अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए आपके पास 3 × 2 − 6 = 1 − 5 = 1। तो जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ एक स्ट्रेचिंग जो है वो अपीयर हो रही होती है, एक ही मोड ऑफ वाइब्रेशन उसका जो है वो होगा। लेकिन अगर जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स फार्मूला इज 3n-6। तो अगर फर्ज करें आपके पास 3 एटम्स हैं देन इस तरह आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या फर्ज करें आप फॉर्मेल्डिहाइड के लिए कैलकुलेट करते हैं देन 3 आपके पास टोटल जो एटम्स हैं वो 4 − 6, सो 12 − 6 = 6। तो आप फॉर्मेल्डिहाइड का जब स्पेक्ट्रम लेंगे तो 6 वाइब्रेशनल मोड जो है वो आईआर स्पेक्ट्रम में अपीयर हो रहे होंगे। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बात करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ओके, एंड इट इज आईआर एक्टिव, कार्बन डाइऑक्साइड इज आईआर, बिकॉज अगर आप इसकी जो है वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालें देन 3n-5, 3 × 3 − 5 = 4। सो 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के जो है वो होंगे, और जिसमें जो है वो स्ट्रेचिंग मोड्स हैं और बेंडिंग मोड्स हैं, और इसका जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है इट इज़ आईआर एक्टिव एंड बेंडिंग आर आल्सो आईआर एक्टिव। जो इसका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है अपीयर्ड एट 2300 ग्रेटर देन 2200 सेंटीमीटर इनवर्स, उस पे ये जो है वो अपीयर होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ है ये मॉलिक्यूल जो है वो एज अ होल अगर आप इसकी बात करें तो नॉन पोलर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है, बट जब आप इसे जो है वो आईआर में जो है वो प्लेस करते हैं तो बाय दिस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बिकम आईआर एक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट विद द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन
आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन माय अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ वी यूज आईआर स्पेक्ट्रम. जब आपके पास आईआर स्पेक्ट्रम आए तो सबसे पहले आपने जो है वो क्या उससे जो है वो किस तरह आप उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो होगा. सो इन माय अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ वी यूज द आईआर स्पेक्ट्रम और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रम. देन फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स. थैंक यू वेरी मच.